डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम इसका यूज किस तरह करते हैं ये सीखेंगे। तो फेजर डायग्राम क्या है, किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं? तो हमें मालूम है कि जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। कि एक पार्टिकल यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो इस पार्टिकल का इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मान लीजिए कि पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर y पर था तो प्रोजेक्शन आएगा O पर। प्रोजेक्शन माने यहाँ यदि हमको एक लाइट का सोर्स रखें, बल्ब रखें, ट्यूबलाइट रखें, तो लाइट जो पड़ेगा यहाँ पर इस लाइन पर तो पार्टिकल का शेडो यहाँ आएगा। इस शेडो को ही हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो पार्टिकल y पर है तो शेडो मिलेगा O पर, यानी प्रोजेक्शन होगा O पर। जब पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा तो हमारा शेडो भी इस तरफ मूव करेगा। पार्टिकल यहाँ आ गया चलते हुए तो इसका शेडो हमको यहाँ दिखेगा, यहाँ गया। यानी जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो हमारा शेडो ओ से यहाँ तक आ गया। पार्टिकल एक्स पर होगा तो ये शेडो ए पर आ जाएगा। पार्टिकल जब इस तरफ घूमेगा तो शेडो फिर वापस आएगा। वाई डैश पर पहुँचा तो ओ पर आ गया। पार्टिकल जब इस तरफ चलेगा तो शेडो इस तरफ चलेगा। एक्स डैश पर होगा तो माइनस ए पर आ गया। पार्टिकल फिर वापस वाई पर आया तो ऊपर आएगा। इस तरह से ये जो शेडो है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। बस इसी डायग्राम को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल की पोजिशन हमको बतलाए, दैट इज द फेजर डायग्राम। हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका पोजीशन कहाँ पर होगा ये जानने के लिए आपको इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करना है और इस वर्टिकल लाइन, याद रखिएगा कि यू ऑलवेज मेजर द एंगल ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन ओ आई। तो ओ आई से आप एंगल नाप लीजिए, दिस इज द फेज ऑफ द पार्टिकल। इसी को हम कहेंगे पार्टिकल का इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज इक्वल टू 5। पार्टिकल चलता हुआ यहाँ आ गया तो हमारा सिंपल मोशन यहाँ होगा। तो पार्टिकल यदि यहाँ से स्टार्ट किया है मोशन तो ये जिस पार्टिकल का शेडो है वो x पर होगा। तो इनिशियल फेज कितना हो गया 90। पार्टिकल यहाँ है तो 180 डिग्री। पार्टिकल यहाँ आ गया तो 270 डिग्री। आपको हमेशा एंगल याद रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है बस उसी डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। तो ज़्यादा आसान होता है कि हम क्लॉकवाइज मोशन ही लें, और क्लॉकवाइज मोशन लेंगे तो एंगल भी आपको क्लॉकवाइज ही नापना पड़ेगा। और कहाँ से नापना है? ओ वाई से, ऑलवेज फ्रॉम ओ वाई। तो यदि पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, जिसकी मेन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ मेन पोजीशन से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, तो उसका इनिशियल फेज हो जाएगा 5। देन इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन दिस एग्जांपल इज 5। अब ये 5 कितना होगा कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम सब समझ में आएगा। अब इस फाई की वैल्यू नापनी है तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ ये एंगल यदि फाई है तो एंगल भी फाई हुआ। ये एंगल आप ये डिस्टेंस या लेंथ मान लीजिए एक्स है, ये तो भाई आपका एम्पलीट्यूड के बराबर होगा जिसको हम ए मान रहे हैं, तो ये रेडियस भी इसका ए ही होगा। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन फाइव।
अब x कितना है तो मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a बाई टू, एक्स कितना है तो a बाई टू है मान लीजिए, तो साइन फाई इज इक्वल टू a बाई टू बाई ए, सो इट इज वन बाई टू, सो फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री आर पाई बाई सिक्स रेडियन। तो यदि हमको एक्चुअल पोजीशन मिल जाए, एक्चुअल पोजीशन दिया गया हो, तो हम उससे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं आइदर इन डिग्री आर इन रेडियन। वैसे इनिशियल फेज आप रेडियन में निकालें तो ज़्यादा आसान होगा। कैसे बनाएंगे रेडियन? तो रेडियन बनाने के लिए जो भी डिग्री है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 30 इंटू पाई बाई 180 मीन्स पाई बाई 6। तो जो भी एंगल डिग्री में मिलेगा उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा दैट इज योर एंगल इन रेडियन, तो आपको रेडियन में मिल जाएगा। तो ये है फेजर डायग्राम। अब इसका यूज कैसे करते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक आसान से क्वेश्चन। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए इफ द पार्टिकल एट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फर्स्ट फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन ईच केस। हर एक केस में अपने को इक्वेशन बनाना है। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको अपना फेजर डायग्राम बना लेना है। तो एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल बन गया, इसके दो डायमीटर लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल एक लाइन ले लो। इसको भी यहाँ तक आने दो। दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज प्लस ए, एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशन ऑन अदर साइड। कहता है कि पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, या जो एम्पलीट्यूड है इसके हाफ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ये यहाँ से चलना स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यानी जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो पार्टिकल यहाँ था और यूँ जा रहा था। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये वर्टिकल लाइन आपके सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हमारा प्रोजेक्शन यहाँ है तो हमारा ये सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इन दो में से किसी एक पॉइंट पर होगा। इसका भी प्रोजेक्शन यही आएगा, इसका भी प्रोजेक्शन यही आएगा। तो फिर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमारा पार्टिकल यहाँ है कि यहाँ है। अब यदि हम पार्टिकल यहाँ है माने तो इसका मतलब इसके आगे इस तरफ चलेगा, और यदि पार्टिकल इस तरफ जा रहा है एक्स की तरफ, तो हमारा पार्टिकल भी या हमारा प्रोजेक्शन भी ए की तरफ जाएगा। यदि पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से तो ऐसा घूमेगा, यानी मेन पोजिशन की तरफ आएगा। तो हमारा पार्टिकल तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट हमारा होगा पार्टिकल का, यानी पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ है। और यदि टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ है तो उसका इनिशियल फेज कितना हुआ निकालते हैं, फाइव।
तो भाई ये कितना है, तो ए बाई टू। अब ये एंगल यदि फाइव हुआ तो एंगल भी फाइव हुआ, तो साइन फाइव इज इक्वल टू ए बाई टू बाई ए, यानी कि वन बाई टू। सो फाइव इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो इनिशियल फेज कितना हुआ, पाई बाई सिक्स के बराबर। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इक्वेशन मालूम है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। अब यहाँ पर फाइव की वैल्यू रख देते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। तो ये हुआ पहले पार्टिकल के लिए जो कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से मोशन स्टार्ट किया हुआ है, ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन दूसरा पार्टिकल कहता है कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया हुआ है, तो चलिए इसके लिए भी हम फेजर डायग्राम फिर से बनाएं। तो ये आपका फेजर डायग्राम, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर, और इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल नीचे एक लाइन ले लिया, इसको नीचे आने दिया, तो ये मेन पोजीशन, ये प्लस ए और ये माइनस ए। तो कहता है एक पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन से नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो हमारे SHM का क्या इक्वेशन होगा। तो यदि पार्टिकल यहाँ पर है, हमारा SHM करता हुआ पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा, यानी हमारा सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ है। तो OI से यदि हम एंगल मेजर करते हैं तो कितना मिलेगा, तो ये तो एंगल पाई बाई टू हुआ, 90 डिग्री। तो फॉर द सेकेंड पार्टिकल द इनिशियल फेज फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और हमको मालूम है कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये हो गया ए कॉस ओमेगा टी। तो पहले पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, दूसरे पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम फेज और डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखिए दूसरा। टाइम पीरियड ऑफ SHM इज 12 सेकेंड, देन कैलकुलेट मिनिमम टाइम टू ट्रेवल हाफ of the amplitude on one side to half of the amplitude on other side। एक तरफ के हाफ एम्पलीट्यूड से दूसरी तरफ के हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में उसे कम से कम कितना टाइम लगने वाला है, यह बतलाना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्रॉ फेजर डायग्राम, एक सर्कल, एक वर्टिकल डायमीटर, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल सर्कल के नीचे एक लाइन, वर्टिकल डायमीटर को नीचे आने दो, ये वो हो गया, ये प्लस ए और ये माइनस ए। तो कहता है कि पार्टिकल जो है एक तरफ के हाफ से दूसरे तरफ के हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लेगा, यानी यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फिनिश हुआ, ये ए बाई टू, यहाँ से पार्टिकल इधर जा रहा है और ये ए बाई टू पर फिर पहुँच गया।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा? हमारा पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, टाइम पीरियड जो है वो 12 सेकंड है। तो चलिए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो यदि हमारा पार्टिकल यहाँ है तो उसके सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का दो पोजीशन होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। और हमारा SHM करता हुआ पार्टिकल यहाँ आ गया तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब कंफर्म करो कि कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, यहाँ से पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। यदि पार्टिकल आपका यहाँ है तो पार्टिकल तो यूँ चल रहा है, तो यहाँ पर यदि आप लेते हो तो आगे जो चलेगा तो एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ आएगा, मतलब ये पॉइंट हमारा नहीं हो सकता। यदि हम पॉइंट यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा? तो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब कि दिस इज द इनिशियल पोजीशन। यहाँ से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और जब पार्टिकल यहाँ आया तो इसके आगे फिर वो से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आ गया तो इसका मतलब कि आगे वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो हमारा दूसरे पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन ये होना चाहिए, ठीक। तो हमारा ये पार्टिकल जब माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक पहुंच रहा है, एक तरफ के आधे से दूसरे तरफ के आधे पर पहुंच रहा है, तो हमारा पार्टिकल इतना घूम रहा है, तो इसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये निकालेंगे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये निकालेंगे, ठीक। तो पहले तो इतना एंगल निकाल लो कितना हो रहा है, और जितना होगा ये उतना ही एंगल होगा फाइव। इधर भी ऐसे निकाल लेते हैं कि ये कितना है, तो उतना ये भी होगा फाइव, यानी कि थीटा बराबर हुआ टू फाइव। मैंने दोनों एंगल को फाइव लिया है क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है, ए बाई टू इधर भी, ए बाई टू इधर भी है। अब ए बाई टू के लिए हम लोगों ने एंगल निकाला है, कितना मिला था 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल निकालने का तरीका समझ लेते हैं। देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ए बाई टू, ए बाई टू, ए को एलिमिनेट करो तो कितना हो गया 1/2। 1/2 साइन के लिए कितने एंगल के लिए वैल्यू होता है, बस वही आपका वैल्यू होगा फाइव। तो 1/2 होता है 30, साइन 30 के लिए, एंड देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से ए को एलिमिनेट करो, जो आएगा नंबर, जो आएगा डिजिट, वो साइन के लिए कितने एंगल के लिए होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 1/2 होता है साइन 30 के लिए, इसका मतलब कि फाइ कितना होगा 30 डिग्री। वैसे हमने इसको एक्चुअल कैलकुलेट पहले वाले प्रॉब्लम में कर ही चुके हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हो, एक तरीका ये भी। तो फाइ 30 डिग्री हो गया, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 × 30 मीन्स 60 डिग्री आर पाई बाई 3 रेडियन, आर पाई बाई 3 रेडियन। अब हमको मालूम है सर्कुलर मोशन में कि थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा कितना हुआ तो पाई बाई 3, ओमेगा होता है 2π/T (T), पाई और पाई फिर कैंसिल, सो 1/3 इज इक्वल टू 2, और टी की वैल्यू होता है दिया हुआ यहाँ पर 12 सेकेंड (t), 2 से फिर कैंसिल, 6 इधर आया, तो टी इज इक्वल टू 6/3 मीन्स 2 सेकेंड। तो एक तरफ के हाफ एम्पलीट्यूड से दूसरी तरफ के हाफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचने का मिनिमम टाइम इतना लगेगा 2 सेकंड। यदि पार्टिकल यहाँ से इधर न जाकर के इधर जा रहा होगा तो इधर से फिर इधर आएगा, फिर वापस जाएगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हमको मिनिमम टाइम पूछा है, तो मिनिमम टाइम के लिए पार्टिकल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचना चाहिए, सीधा सीधा पहुँचना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा 2 सेकेंड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस फेजर डायग्राम से बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करके देखना कि क्या आपका आंसर आता है। लिखे क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ SHM is 12 seconds.
कैलकुलेट टाइम टेकन बाई इट टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन and second motion starts from extreme position दो प्रॉब्लम है यदि हम मेन पोजीशन से स्टार्ट हो तो माने तो आधे एम्पलीट्यूड के जाने तक जाने में कितना टाइम लगेगा और यदि हम एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो तो माने तो आधा एम्पलीट्यूड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये दो कैलकुलेट करने हैं तो वीडियो पॉज करें और पॉज करके प्रॉब्लम को ज़रा सॉल्व करें तो मैं समझता हूँ कि आपने अब तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा अब मेरे साथ जरा अपने सॉल्यूशन को चेक करें पहले के लिए मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूँ पहले पार्ट में कहता है कि मोशन मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ यानी मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है मान लीजिए कि राइट की तरफ जा रहा है इसका मतलब कि हमारा सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पर होगा तभी तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा यहाँ होगा तब तो फिर लेफ्ट में चलेगा अगर हमारे पार्टिकल पोजीशन ये है तो इसके रिलेटिव दो पोजीशन मिलते हैं एक पोजीशन ये तो अपने कन्फर्म करना है कि विच वन इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यदि यहाँ है तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा तो हमारा प्रोजेक्शन इधर चलेगा और यहाँ है तो पार्टिकल इधर चलेगा तो प्रोजेक्शन इधर आएगा इधर आ नहीं रहा है इसका मतलब कि यह पॉइंट हमारा नहीं ये पॉइंट है तो दिस इज द इनिशियल पोजिशन अब पार्टिकल चलते हुए कहाँ तक आ गया आधे एम्पलीट्यूड तक ए बाई टू तक तो ये किस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा यहाँ से निकालो तो यहाँ पर दो पॉइंट मिलेंगे या तो ये या फिर ये कंफर्म करो कि कौन सा होगा इसके बाद हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो देखो यहाँ पर यदि है तो इसके बाद आगे इस तरफ आएगा इसका मतलब कि हमारा प्रोजेक्शन एक्सट्रीम की तरफ जाएगा मतलब यही पॉइंट हमारा पॉसिबल है यदि हम इसको लेते हैं तो फिर हमारा पार्टिकल इस तरफ आएगा मेन पोजिशन तरफ नहीं आ रहा है एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये हमारी पोजीशन हो गई तो दिस इज द फाइनल पोजीशन तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना एंगल हुआ निकाल लीजिए ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा हुआ कितना हुआ ये ए बाई टू ये कितना हुआ तो ये ए तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू बाई ए यानी कि 1/2 एंड therefore थीटा इज इक्वल टू 30° आर पाई बाई 6 रेडियन अब सिंस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी तो थीटा हमको मिला है पाई बाई 6 ओमेगा हो गया 2π/T इंटू टी तो पाई हो गया कैंसल सो 1/6 इज इक्वल टू 2π/T की वैल्यू दिया 12 इंटू टी ये भी कैंसल एंड therefore टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो पहले पार्ट का इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर होगा 1 सेकेंड कि मेन पोजीशन से आधे एम्पलीट्यूड तक जाने में उसको कितना टाइम लगने वाला है 1 सेकेंड अब जरा सेकेंड पार्ट में आते हैं इसके लिए फिर से फेजर डायग्राम बनाया तो हमारा फेजर डायग्राम बन गया
एक सर्कल, और ये हो गया मेन पोजीशन, ये प्लस ए और ये माइनस है। कहता है कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पहुँच रहा है, आधे एम्पलीट्यूड तक, ये ए बाई टू। तो ये कितना, तो ये इनिशियल पोजीशन ऊपर ड्रॉ करें तो हो गया घूमने वाले पॉइंट का इनिशियल पोजीशन ये, और यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इसके दो इंटरसेक्शन मिलेंगे, ये होगा ये होगा। पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, यानी कि पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये किस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा, उसका नहीं, क्योंकि वहाँ अगर लेते हो, हम हमेशा मोशन को क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, तो यहाँ यदि होगा तो फिर एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ नहीं, किधर जा रहा है, ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट होगा। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन या हमारा फाइनल पोजीशन दोनों को ज्वाइन कर लें, ये हो गया। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये थीटा होगा, ठीक है। अब ये एंगल मान लीजिए कि फाई है, तो इस फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सीधा, ये थीटा, ये हो गया इस एंगल के लिए बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बाई टू अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मिला 1/2, देयरफॉर थीटा मिल गया 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और रेडियन में कन्वर्ट किया तो हो गया पाई बाई थ्री। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा की जगह रखा पाई बाई थ्री, ओमेगा की जगह 2π/T, टी की जगह 12 है इंटू टी, तो पाई और पाई कैंसल, दो से कैंसल से, छः इधर आया तो 6/3, यानी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आधे एम्पलीट्यूड तक पहुंचने के लिए पहले केस में 1 सेकेंड लगेगा, दूसरे केस में 2 सेकेंड लगेगा। मैं समझता हूँ कि आप में से आपका भी सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही निकला होगा, और यदि आपने नहीं निकाल पाए तो फिर से समझ लीजिए कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ, और मैं समझता हूँ अब शायद मिस्टेक नहीं होगा। चलिए एक थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्डर, जिसमें कि दो पार्टिकल एक साथ एक ही लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये देखिए। टू पार्टिकल्स डिस्क्राइब SHM ऑन द सेम लाइन विथ द सेम टाइम पीरियड कैपिटल टी, एट टी इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्टिकल इज एट माइनस √3a/2 एंड मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन, एंड द सेकेंड पार्टिकल इज एट +a/2 एंड मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजिशन। आफ्टर वाट मिनिमम टाइम दे मीट ईच अदर, तो एक ही लाइन में सेम टाइम पीरियड के साथ दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, लेकिन जिस समय हमने देखा t = 0 पर
पहला पार्टिकल माइनस रूट थ्री ए बाई टू पोजिशन पर है और दूसरा पार्टिकल प्लस ए बाई टू पोजिशन पर है। पहला पार्टिकल मेन पोजिशन की तरफ जा रहा है यहाँ से और दूसरा पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ जा रहा है। तो व्हेन दे विल मीट ईच अदर, कब वो एक दूसरे से मिलेंगे, ये निकालना है। तो चलिए एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये फेजर डायग्राम और इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ किया, तो ये हो गया प्लस ए, ये हो गया माइनस ए, ये मीन पोजीशन ओ। तो पहला पार्टिकल यहाँ है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो माइनस रूट थ्री ए बाई टू, ये पहला। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, कितनी डिस्प्लेसमेंट पर है, तो प्लस ए बाई टू, ये सेकंड पार्टिकल। अब ये किस पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा ये निकालें। एक वर्टिकल लाइन इधर से ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन इधर से ड्रॉ किया, ऐसा। ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो इधर चलता जाएगा, ये एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये इस तरफ से आ रहा है, ये इस तरफ से आ रहा है, दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो हमें वही टाइम निकालना है कि व्हेन दे विल मीट ईच अदर। तो चलिए अब इस सर्कल पर इसके रिलेटिव पॉइंट को जरा डिसाइड कर लें। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, हमेशा क्लॉकवाइज मोशन लेना है, ऐसा मोशन हमेशा क्लॉकवाइज लेना है। तो पहला पार्टिकल यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यदि यहाँ पर आप पार्टिकल को कंसिडर करते हैं तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर लेते हैं तो ये मीन पोजीशन तरफ जा रहा है, बिल्कुल यहीं पर है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर भी देखिए कि कहाँ पर होगा पार्टिकल। अब इसका रिलेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, लेकिन ये तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहीं होगा दूसरा। तो दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज हुआ वो इतना हुआ, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स। अब ये कितना है भाई, तो ये तो रूट थ्री ए बाई टू है। ये कितना है, तो ये ए बाई टू है। ये एंगल मान लीजिए कि फाइव वन, ये एंगल मान लीजिए कि फाइव टू। तो एंगल फाइव वन है, तो फिर एंगल फाइव वन हुआ। किसने बनाया, रूट थ्री ए बाई टू ने। रूट थ्री बाई टू कितने एंगल के लिए होता है साइन में, तो हम कहेंगे 60। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। वन बाई टू एंगल कितने के लिए बनता है, तो हम कहेंगे साइन 30 के लिए, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल पूरा कितना हुआ, ये 60 और ये 30, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो 90 डिग्री। दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं, तो ये जो फेज डिफरेंस है ये पूरे मोशन में कांस्टेंट बना रहने वाला है। ये पार्टिकल जितने एंगल से आगे टर्न होगा, ये भी उतने एंगल से आगे टर्न होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, ऑलवेज 90 डिग्री। अब ये पार्टिकल मिलेंगे कब, ये पार्टिकल तब मिलेंगे जब दोनों के प्रोजेक्शन सेम पॉइंट पर आए, दोनों का प्रोजेक्शन जैसे कि ये। तो पहला पार्टिकल चलता हुआ यहां तक आ गया, दूसरा पार्टिकल चलता हुआ यहां तक आ गया, दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पर हैं, तो दोनों का प्रोजेक्शन यही होगा, यानी दोनों पॉइंट, दोनों पार्टिकल बस यही आपस में मिलने वाले हैं, यही मिलने वाले हैं। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो हमने कहा कि ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा,
ये पूरा एंगल 90 डिग्री। अब ये दोनों साइड यदि इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इसी के हाफ हाफ होंगे। ये दोनों साइड यदि इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। इक्वल कितने होंगे तो टोटल एंगल का हाफ इधर होगा, टोटल एंगल का हाफ इधर होगा, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर होगा। ये इसके परपेंडिकुलर हुआ ना, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि दो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा तो फिर आधा एंगल कितना मिलेगा, तो 45 डिग्री। ठीक। तो पार्टिकल वन कितना घूमा, पार्टिकल वन कितना घूमा या पार्टिकल टू कितना घूम गया, आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो भाई ये 30 डिग्री था, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया तो ये 90 डिग्री हुआ, सॉरी 90 में से 30 कम तो ये 60 डिग्री हुआ यहाँ तक, और आगे 45 डिग्री, यानी 60 प्लस 45 डिग्री। यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये एंगल यदि 60 है तो एंगल 60 हुआ, ये एंगल 45 है तो इधर का एंगल 45 होगा, तो कितना घूम गया, 60 प्लस 45, यानी कि 105। तो पार्टिकल वन का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, तो हम कहेंगे 105। पार्टिकल टू का कितना आया, तो हम कहेंगे 105। किसी भी एक का निकालना है, दोनों की ज़रूरत नहीं, किसी एक का निकाल लो, जो तुमको लगे कि हाँ ये एंगल मैं आसानी से निकाल सकता हूँ तो वो निकाल लो। तो पार्टिकल वन के लिए कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थीटा हुआ है। अब एंगल कितना होगा देख लीजिए, ये 60 तो उसका अल्टरनेट एंगल ये 60, इधर वाला 45 तो बच गया इधर भी 45, तो ये 60 और ये 45 यानी कि कितना हुआ, 105 डिग्री। तो व्हेन द पार्टिकल मीट्स टू ईच अदर the angular displacement will be 60 प्लस 45 यानी 105 डिग्री, यानी कि 105 × 5/180 रेडियन। इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद दोनों आपस में मिलने वाले हैं। तो भाई थीटा होता है ओमेगा टी, थीटा कितना मिला तो 105 π/180, ओमेगा हो गया 2π/T × T। तो टी कितना मिलेगा, पाई और पाई तो कैंसिल कर देते हैं, और कैपिटल टी हमें कैपिटल टी दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज गिवन। तो 105 T/180 × 2 सॉल्व करें, 5 से डिवाइड करें 21, 300 डिवाइड हो रहा है 7 12, तो 7 T/24 सेकेंड। तो पहला पार्टिकल यहाँ था इनिशियली, दूसरा यहाँ था, तो 7 T/24 सेकंड के बाद दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये SHM का कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले जहाँ लगे कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो जस्ट यू यूज़ द फेजर डायग्राम और देखेंगे कि फेजर डायग्राम के यूज़ से आपका प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व होता है। तो मैं समझता हूँ कि फेजर डायग्राम बनाना, फेजर डायग्राम का यूज करना, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होगा होगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें, ताकि मेरे नए वीडियो
जब भी अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।